नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी डिश है खरड़ा चिकन। आप इसको ग्रीन मसाला चिकन भी कह सकते हो। इसको मैंने ग्रीन मसाले की कोटिंग की है। तो इसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड चिकन और चिकन स्टॉक। तो यहाँ पे मैंने चिकन पहले से ही बॉयल करके रख दिया है और उसका स्टॉक भी निकाल लिया है। इसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, ग्रेटेड कोकोनट, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन की कलियाँ। अब हम पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। उसमें डालेंगे हरी मिर्च, आपको जितना तीखा चाहिए उतनी आप हरी मिर्च डाल सकते हो, लहसुन की कलियाँ। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट को अच्छे से भूनना है सुनहरा कलर आने तक। फिर इसको हम मिक्सी के बाउल में निकाल लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, गाढ़ी पेस्ट बनानी है। देखो इस तरह से हमें ग्रीन पेस्ट बना लेना है। अब हम सेम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। फिर इसमें डालेंगे जीरा, प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से हम सुनहरा कलर आने तक भुनेंगे। इसके लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं। फिर उसमें हम डालेंगे ग्रीन मसाला पेस्ट जो हमने बनाया था और इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसका तेल छूटने लग जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी और नमक। नमक डालने से ये पेस्ट जल्दी पक जाती है, नमक जो है मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है। देखो यहाँ पे हमारे पेस्ट पक के तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। बॉयल्ड चिकन हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन स्टॉक। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा और चिकन स्टॉक डाल सकते हो। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखो ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है और हमारा यहाँ पे खरड़ा चिकन बनके एकदम रेडी है। चिकन पका हुआ था तो ये जल्दी बन जाता है। बहुत ही सुंदर डिश है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। और चिकन की एक अलग वेरिएशन है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। अगर अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।